हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश, और क्लास 12 के इंग्लिश का ये मोस्ट टाइपिक है सेंट्रल आइडिया है, और सेंट्रल आइडिया है पहली वाली पोयम का। देखिए पहली पोयम है माई मदर एट 66। इसके जो लेखक हैं कमला दास हैं, इसके जो पोइट हैं, देखिए इनकी जो माँ है ये 66 ईयर की हो चुकी हैं, 66 साल की हो चुकी हैं। देखिए इनकी जो ये माँ है ये बुढ़ापे में है, और इनको ऐसा महसूस होता है इनकी जो माँ है ये मरने वाली है, बुढ़ापे में है, तो इनको ऐसा महसूस होता है। ये जाती है इनको छोड़ के, इसी पर बेस्ड पूरा सेंट्रल आइडिया चलता रहता है। देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे आपको तैयार करना है। तो क्वेश्चन इस तरीके से अराइज होगा पेपर के अंदर कि राइट द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया लिखिए ऑफ द पोयम, पोयम का माई मदर एट 66। और ये आता है 4 नंबर का। देखिए आपको एग्जाम में मिलेंगे ये तीन, तीन में से जो आपको याद होगा वो आपको लिखना है। और ये कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। देखिए इसका ट्रांसलेशन द पोयम, ये जो पोयम है माई मदर एट 66, मतलब ये जो पोयम है माई मदर एट 66 जो पोयम है, हैज बीन रिटन, लिखी गई है बाय कमलादास, कमलादास के द्वारा। तो इसके लेखक हैं, इसके जो पोइट हैं कौन है? कमलादास हैं। तो कमलादास के द्वारा ये जो पोयम है माई मदर एट 66 ये लिखी गई है। अगर समझे द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। तो ऑफ द पोयम, इस कविता का जो केंद्रीय विचार है इज एजिंग, एजिंग पर आधारित है, मतलब उम्र पर आधारित है। इनकी उम्र बढ़ रही है और उनको डर लगता है कि ये जाने वाली हैं, मरने वाली हैं। एजिंग एंड द पोइट्स फियर, तो ये एजिंग पर डिपेंड करता है सेंट्रल आइडिया, और किस पे? पोइट्स फियर, और जो कवि हैं उनके डर पर। फियर का मतलब क्या होता है? डर होता है। तो इस पर क्या है ये, और बेस्ड क्या है? सेंट्रल आइडिया है ऑफ लॉसिंग, खो देने से हर मदर। तो इन्हें डर रहता है किस चीज से रहता है? हर मदर अपनी माँ को खो देने से, क्योंकि बुढ़ापे में है और बुढ़ापे में लोग मर जाते हैं, इसी का इनको डर रहता है। अगर है द पोइट्स, जो कवि हैं, जो कवित्री हैं, पर कवित्री है ना, मदर इज पासिंग थ्रू, वो गुजर रही है। पासिंग थ्रू का मतलब होता है गुजरना, इसका मीनिंग आपको लास्ट में लिखवा दे जाएंगे, पहले समझ लें। इनकी जो माँ है वो गुजर रही है, हर ओल्ड एज अपने बुढ़ापे से गुजर रही है इनकी जो माँ है। सी फियर्स, वह डरती हैं लॉसिंग इसे खो देने से हर, एंड फील्स और महसूस करती हैं, तो वह डरती हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, पर मैं आ गया एस, वह इन्हें खो देने से डरती हैं एंड फील्स और महसूस करती हैं डेट की हर मदर, उनकी जो माँ है विल डाई वेरी सून, उनकी जो माँ है वो जल्दी ही मर जाएंगी, वो ऐसा महसूस करती हैं। कौन? कमला दास। सी लुक्ड, वह दिखाई देती है, सी लुक्ड आउट ऑफ हर कार। देखिए लुक्ड आउट का मतलब होता है देखना, कहाँ से देखती है वो? अपने कार से बाहर देखती है। देखिए ये कार से जाता हुई होती हैं, देखिए कार में जा रही हैं, तो ये कार से बाहर को देखती हैं, कार से जब बाहर को देखती हैं अपने दिमाग को, अपने मन को भटकाने के लिए, समझे? आगे देखिए पता लग जाएगा। सी लुक्ड आउट ऑफ हर कार, वो अपने कार से बाहर देखती हैं, ऑन द वे, रास्ते पर। तो ऑन द वे याद रखना क्या होता है, इसका मतलब रास्ते पर। टू डाइवर्ट, डाइवर्ट करने के लिए, भटकाने के लिए, हर अटेंशन, अपना ध्यान, फ्रॉम हर फेयर, अपने डर से, जो उनको डर महसूस हो रहा था उस डर से बचने के लिए अपने मन को भटकाती हैं, इधर उधर देखती हैं। सी लुक्ड डेट लाइफ इज फुल ऑफ एक्टिविटीज, सी लुक्ड, वह देखती है डेट लाइफ, जो जिंदगी है इज फुल ऑफ एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज से भरी पड़ी है, क्रियाकलापों से भरी पड़ी है उनकी जो जिंदगी है। चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी, जो बच्चे थे वो खुश थे। देखिए जैसे ही कार से बाहर को देखती हैं तो रास्ते में इन्हें बच्चे खेलते हुए मिलते हैं, पेड़ स्पीड से चलते हुए दिखाई देते हैं, पहाड़ जाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे इनको लगता है। अब अगर ऐसा क्यों करती है? अपने मन को भटकाने के लिए, ध्यान को भटकाने के लिए। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो देखिए जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो इनको जो सिक्योरिटी है वो चेक करती है कि इनको कुछ इलीगल सामान तो ना है। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं तो सिक्योरिटी इनको चेक करती हैं। द पॉइंट कवित्री को लुक डेट, और वो देखती हैं हर मदर अपनी माँ को। देखिए वो इन्हें चेक करते हुए होती हैं और ये अपनी माँ को देखती हैं, उनके चेहरे को देखती हैं, क्या होता है तब बताएंगे। देखिए हुज़ो वॉज वीक, उन्हें कमजोर दिखाई लग रही थी, जैसे उनकी तरफ को देखा तो वो कमजोर सी लग रही थी, बुढ़ापे में तो कमजोर तो होंगी। एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और उनकी जो हेल्थ थी, उनकी जो स्वास्थ्य था बिल्कुल ही खराब था, हेल्थ टूटा हुआ था, हेल्थ ब्रोकन था। द पोइट, जो कभी हैं, हार्डली मुश्किल से ही, एक्सपेक्टेड उनको आशा थी, उनको मुश्किल से ही आशा हो रही थी कि टू सी वो देख पाएंगी हर अगेन उन्हें दोबारा से, फिर भी उनको छोड़कर जा रही हूँ काम से, क्योंकि राइटर है तो कुछ तो करा होगा इन्होंने। हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, कि उनको मुश्किल से वो देख पाएंगी, जो कवित्री हैं कौन है? कमला दास है।
हाइडिंग वो छिपा रही है, हाइडिंग का मतलब होता है छिपाना, हर टीयर्स अपने आंसुओं को, तो वो अपने आंसुओं को छिपा रही थी। सी सेड, उन्होंने कहा सी सून अम्मा कि हम जल्दी ही मिलेंगे अम्मा, जैसे इनको छोड़कर जा रही थी तो उन्होंने कह दिया उनसे कि हम जल्दी ही मिलेंगे। तो इस तरीके से ये कहानी चलती रहती है, केवल आपको इतना ही लिखना है, और ये हमने ये भी शॉर्ट करके लिखा है इस पर चार नंबर में, केवल आपको इतना ही लिखना है। और इसके मीनिंग देख लें, देखिए मीनिंग कौन कौन से याद करने वो समझिए। देखिए सेंट्रल आइडिया याद कर लेना क्या होता है, केंद्रीय विचार या केंद्रीय भाव। पोयम आप जानते हैं क्या होता है, देखिए इसको पोम भी पढ़ा जाता है, याद रखें पोम। और एजिंग का मतलब होता है उम्र, क्या होता है फ्रेंड्स उम्र। एंड द पोइट्स, और पोइट्स यहाँ पर क्या है कवित्री है। फियर का मतलब याद रखना क्या होता है, डर होता है। लॉसिंग खोना होता है, क्या होता है खोना, याद रखें लॉसिंग खोना। मदर पासिंग थ्रू से गुजरना, याद रखें से गुजरना, किससे गुजर रही है बुढ़ापे से, ओल्ड एज बुढ़ापा होता है। फियर क्या होता है फ्रेंड्स, डर होता है, दोबारा आ चुका है, लॉसिंग खोना होता है। फील्स होता है महसूस करना, क्या होता महसूस करना, याद रखें। डाई का मतलब मरना होता है, बुढ़ापे में तो उनका ऐसा लगता मरने वाली है। वेरी सून जल्दी ही, क्या होता है फ्रेंड्स जल्दी ही। लुकड आउट बाहर चारों तरफ देखा कार से। ऑन द वे याद रखना क्या होता है रास्ते पर, क्या होता है रास्ते पर, क्या होता है रास्ते पर। डाइवर्ट का मतलब होता है भटकाना, क्या होता है भटकाना, याद रखें डाइवर्ट का मतलब भटकाना होता है। अटेंशन याद रखें ध्यान होता है, क्या होता है फ्रेंड्स ध्यान होता है अटेंशन। फियर डर होता ही है, लुकड देखा। एक्टिविटीज का मतलब होता है क्रियाकलाप, क्या होता है क्रियाकलाप, ये काम वगैरह। चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी का मतलब आप जानते ही हैं, जो चेक करते रहते हैं लोगों को। पॉइंट भी जानते हैं, लुकड एट देखा, प्रीपोजिशन एट यूज हुआ है, जब किसी चीज को देख रहे हैं किसी पर्सन को तो एट का यूज करते हैं। देखा अपनी माँ को देखा है उन्होंने। बी का मतलब याद रखना क्या होता है कमजोर, क्या होता है फ्रेंड्स कमजोर। ब्रोकन टूट जाना, हेल्थ क्या होता है स्वास्थ्य, क्या होता है फ्रेंड्स स्वास्थ्य। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, क्या होता है मुश्किल से ही, याद रखें मुश्किल से ही। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है आशा या उम्मीद। सी देखना अगेन दोबारा होता है, दोबारा। हाइडिंग अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है छिपाना, क्या होता छिपाना। सारे के सारे अच्छे मीनिंग है, ये आपको याद होने चाहिए। टीयर्स आंसू होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड्स आंसू, ये भी अच्छा वर्ड है आंसू। सेड कहा सी यू सून अम्मा, देखिए सून का मतलब होता है जल्दी ही, सी यू का मतलब देखा या देखना, तो जल्दी ही मिलते हैं इसका मतलब निकलेगा। तो ये सारे मीनिंग आपको याद होने चाहिए, सारे के सारे अच्छे मीनिंग हैं। चलिए हम कर देते हैं इसको क्लीन, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए पहले क्लीन कर देते हैं, बाद में लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। या आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट मीनिंग के साथ भी ले सकते हैं और आप भी ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्व के इंग्लिश, और क्लास ट्वेल्व के इंग्लिश का ये मोस्ट टाइम है सेंट्रल आइडिया है, और सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार। देखिए ये जो है पोएम आई थिंक ब्यूटी वाली है, और इसके जो पोइट हैं, इसके जो कवि हैं कौन है, जॉन कीट्स हैं। देखिए इस पोएम के अंदर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि आई थिंक ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की खूबसूरती, अगर कोई वस्तु खूबसूरत होती है और जो खूबसूरत वस्तु होती है वो किस तरीके से हैप्पीनेस प्रदान करती है लोगों को, उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन, और ये जो आता है चार नंबर का आता है, और ये मिलते कितने हैं पेपर के अंदर, ये तीन मिलते हैं, और तीन में से आपको एक करना है जो आपके याद का होगा। और देखिए सबसे ज्यादा जो संभावना रहती है इसी के सेंट्रल आइडिया की रहती है, कौन से आथिंक ऑफ ब्यूटी वाले की, क्योंकि काफी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। इस तरीके से अराइज होगा पेपर के अंदर कि राइट द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया लिखिए ऑफ द पोएम, इस पोएम का, कौन सी पोएम का, आथिंक ऑफ ब्यूटी वाली पोएम का। तो देखिए काफी आसान भाषा में ये आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो काफी शॉर्ट है, इस तरीके से आपको लिखना है। द पोइट जो कवि है, देखिए द पोइट का मतलब क्या होता है कवि, कवि कौन है यहाँ पे, कवि है जॉन कीट्स।
कवि कौन है ये? जॉन कीट्स है। ये क्या बताते हैं इस पोयम में बताएंगे। जॉन कीट्स इन हिज पोयम, वो अपनी पोयम के अंदर आथिंग ऑफ ब्यूटी जो इनकी पोयम है, इसको वैसे पोम भी पढ़ते हैं, इनकी जो पोयम है टेल्स ही बताते हैं। देखिए इसका मतलब होता है बताना, तो यहाँ पर निकालेंगे बताते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस बनेगा क्योंकि वर्ब आ गया एस। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट होता सिंगुलर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? एस या एस। ये कौन सी कंडीशन में यूज होता है? ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस की कंडीशन में यूज होता है। तो इस तरीके से सेंटेंस बना है, क्या है कि आ थिंक ऑफ ब्यूटी टेल्स, तो यहाँ पर टेल्स किसके लिए यूज हुआ है? जॉन कीट्स के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? जॉन कीट्स है, और जॉन कीट्स क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी वजह से यहाँ पर यूज किया गया है टेल्स का। जॉन कीट्स जो है वो टेल्स बताते हैं डेट की द ब्यूटिफुल थिंग्स, जो खूबसूरत सी वस्तु होती हैं। थिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं, क्या होता है? वस्तुएं, ये चीजें जो खूबसूरत सी वस्तुएं होती हैं, आर द सोर्सेस, वो स्रोत होती हैं। इस चीज का स्रोत होती है बताएंगे। देखिए स्रोत क्या होता है? स्रोत वह चीज होती है जिससे कोई चीज आपको मिलती हो, वो स्रोत है। जैसे जो पढ़ाई का स्रोत हो गया, जिससे पढ़ाई जा रही है, मार्कर भी क्या है? इस तरीके का स्रोत है, मतलब पढ़ाने का स्रोत हो गया, ये भी एक स्रोत हो गया। जो चीज यूज हो रही है वो स्रोत है, तो यहाँ पे ये स्रोत बन जाती है किस चीज का? देखिए जो खूबसूरत सी वस्तुएं होती हैं वो स्रोत बन जाती हैं ऑफ ग्रेट जॉय, बहुत ज्यादा आनंद का। देखिए इसका मतलब होता है आनंद, क्या होता है? आनंद। एंड हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, क्या होता है? खुशी। तो ये जो ब्यूटिफुल थिंग्स होती हैं, मतलब खूबसूरत सी जो वस्तु होती हैं, ये ज्यादा आनंद का और खुशी का स्रोत बन जाती हैं, इनसे ज्यादा खुशी प्रदान होती है लोगों को। देयरफॉर इसलिए, इसका मतलब होता है इसलिए, देयरफॉर इसलिए ब्यूटिफुल थिंग्स जो खूबसूरत सी वस्तु होती हैं, ब्यूटिफुल थिंग्स जो खूबसूरत सी वस्तु होती हैं, आर वर्थ ट्रेजरिंग। वर्थ का मतलब देखिए, ट्रेजरिंग का मतलब होता है बहुमूल्य, बहुमूल्य। पूरे का मतलब निकालेंगे, देखिए वर्थ का मतलब बहुमूल्य, ट्रेजरिंग का मतलब होता है धरोहर, धरोहर याद रखें। देखिए इस वर्थ का मतलब हमने आगे लिख दिया है बहुमूल्य, और ट्रेजरिंग का मतलब होता है धरोहर। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ें, ब्यूटिफुल थिंग्स जो खूबसूरत सी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि ताजमहल, और वर्थ ट्रेजरिंग मतलब बहुत ज्यादा बहुमूल्य धरोहर है, मतलब बहुत ज्यादा उनकी कीमत होती है। जो खूबसूरत सी वस्तु होती हैं उनकी बहुत ज्यादा कीमत होती है, मतलब बहुमूल्य धरोहर है। आगे है विद द पासिंग ऑफ टाइम, देखिए पूरा यहां से लेकर यहां तक समझें, विद द पासिंग ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है समय के गुजरने पर, समय के गुजरने पर। और ये जो समय के गुजरने पर है, ये पूरी फेरेजल वर्ब है, गुजरने पर याद रखें, पूरी की पूरी फेरेजल वर्ब है, समय के गुजरने पर, विद द पासिंग ऑफ टाइम। द स्वीट रिकोलेक्शन, जो मीठी सी यादें होती हैं, रिकोलेक्शन का मतलब होता है यादें, क्या होती हैं? यादें। जो यादें होती हैं और ब्यूटी खूबसूरती की, वे कम मोर जॉयफुल, वो अधिक, मोर का मतलब क्या होता है? अधिक। जॉयफुल का मतलब होता आनंददायक। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो खूबसूरत वस्तुएं होती हैं, जैसे टाइम टाइम गुजरता है, जैसे समय गुजरता है, तो वो जो खूबसूरत वस्तु होती हैं वो और अधिक जॉयफुल हो जाती हैं समय के गुजरने पर। ठीक, आगे समझिए, थिंग्स जो वस्तुएं हैं अराउंड अस, हमारे चारों, देखिए अराउंड का मतलब होता चारों ओर, क्या होता है? चारों ओर। जो चारों ओर वस्तुएं हैं अस हमारे, मेक अस हमें फील कराती हैं, फील का मतलब महसूस कराना, हैप्पी खुशी, हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुशी। जो हमारे चारों ओर वस्तुएं होती हैं वो हमें खुशी महसूस कराती हैं, तो ये इसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में? आथिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में, खूबसूरत वस्तु के बारे में इस तरीके से वर्णन किया गया है। और आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, तो करिए इसको तैयार, क्योंकि काफी बार रिपीट हो चुका पेपर के अंदर, तो तैयारी कीजिए। जो मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है वो सारे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और देखिए एक बार इसके मीनिंग और देखें स्पीड से। देखिए जैसे कि वर्ड आया इसमें टेल्स, बताता है, कौन बताता है? जॉन कीट्स। इसको वैसा पोम भी पढ़ते हैं, सही मायनों में इसको जो ठीक प्रोनाउंसिएशन है वो है पोम, क्या है? पोम।
याद रखें क्या है पोम। सोर्सेस अच्छा वर्ड आया, इसका मतलब स्रोत होता है, ये भी अच्छा वर्ड है, इसको लिख लेना। जॉय का मतलब क्या होता है, आनंद। आनंद ये ज्यादा बड़ी चीज होती है, जैसे खुशी होती है तो खुशी से ज्यादा सुप्रीम जो वर्ड है वो जॉय है। हैप्पीनेस खुशी होती है, देयरफॉर अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है इसलिए, क्या होता है इसलिए, याद रखें। ब्यूटीफुल आप जानते हैं। ट्रेजरिंग का अच्छा वर्ड आया है, इसका मतलब होता है बहुमूल्य धरोहर, पूरे का मतलब वर्थ ट्रेजरिंग, बहुमूल्य धरोहर। विद द पासिंग ऑफ टाइम पूरी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या था समय के गुजरने पर। रिकलेक्शन का मतलब यादें होती हैं, याद रखें क्या होती हैं यादें, रिमेंबर भी कहते हैं इसको। जॉयफुल आनंददायक होता ही है। अराउंड का मतलब चारों ओर होता है और हैप्पी का मतलब खुश होते ही है, सब जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलती नेक्स्ट वाली वीडियो में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास चल की इंग्लिश का एक मोस्ट टाइम पी क्या है, ये सेंट्रल आइडिया है, और सेंट्रल आइडिया है आपका रोड साइड स्टैंड। और इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इसके जो पोइट हैं ये कवि हैं। तो देखिए किस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश से हिंदी में, कैसे इसकी हिंदी निकालेंगे वो समझिए, केवल आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए और इसके मीनिंग याद है आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए आपको एग्जाम में कितने मिलेंगे, आपको मिलेंगे तीन, तीन मिलेंगे, तीन में से आपको एक करना है जो आपको याद का होगा। ये पिछले साल आ चुका है, और कौन सा आ चुका है, माई मदर एट 66 का और आई थिंक ऑफ ब्यूटी वाला। तो ये तीन सेंट्रल आइडिया आए थे, तीनों में से जो आपको याद हो वो लिख सकते हैं। तो देखिए इस वाले को पढ़ते हैं, क्या है समझिए इसके क्वेश्चन को। देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया देखिए ऑफ द पोएम, इस पोएम का, कौन से पोएम का, रोड साइड स्टैंड वाली पोएम का। देखिए द पोएम, ये जो पोएम है और रोड साइड स्टैंड, और रोड साइड स्टैंड जो पोएम है इज द पोएट्स रिक्वेस्ट, इसमें जो कवि हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, अनुरोध का मतलब प्रार्थना करते हैं एक तरीके से, फॉर थॉट, उन्होंने सोचा इसके बारे में, उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फॉर द पुअर, देखिए जो गरीब लोग हैं टॉक्स, उनके बारे में बात करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये वो लगाया कि कविता के अंदर और रोड साइड स्टैंड, इस कविता के अंदर देखिए देहाती लोग होते हैं जो बिल्कुल गरीब होते हैं, जो सड़कों के में पड़े रहते हैं, सड़कों के साइड में जो छोटी मोटी दुकानें लगा कर रहते हैं, वो सारे के सारे जो लोग होते हैं वो कहलाते हैं और रोड साइड स्टैंड, मतलब देहाती लोग जो ज़्यादा गरीब लोग हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि इनके बारे में बात करनी चाहिए, इनकी गरीबी के बारे में बात करनी चाहिए, ये कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, उसके बारे में बात चल रही है। फॉर द पुअर टॉक्स, इनके बारे में बात करनी चाहिए, हु वर्क, ये जो काम करते हैं वेरी हार्ड, मतलब मेहनत से काम करते हैं, ये लोग क्या करते हैं मेहनत से काम तो करते हैं मगर होता क्या उनके साथ, येट फिर भी देयर लिफ्ट, उनकी जो जीविका है लैक एनी एडवांसमेंट, उनकी ज़िंदगी में कोई भी उन्नति नहीं होती है, कोई भी प्रगति नहीं होती है, मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता उनकी ज़िंदगी में, कैसे उनकी ज़िंदगी चल रही है, तो कोई प्रोग्रेस नहीं होती उनकी ज़िंदगी में। ही कम्युनिकेट्स, वह कम्युनिकेट्स करता है, कम्युनिकेट्स का मतलब होता है वार्तालाप, क्या होता है वार्तालाप, बातें करना। ही कम्युनिकेट्स हिज टॉर्मेंट एट देयर पिटी, तो वो वार्तालाप करता है उनकी दयनीय कंडीशन पर, देयर पिटी, देखिए पिटी का मतलब होता है दयनीय, दयनीय का मतलब बुरी हालत, एंड डिस्ट्रेस, और उनकी परेशानियों के बारे में, तो इसका मतलब होता है परेशानी, क्या होती है परेशानी, तो वो उनकी परेशानियों के बारे में बात करता है, उनके दयनीय कंडीशन के बारे में बात करता है। कौन लेखक, उसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे बढ़े, एंड लुक्स, और देखता है, देखिए फॉर हेल्प, वो सोचता है कि उनकी हेल्प करनी चाहिए, एंड एलिवेशन फॉर देम, और उनको कुछ पैसे वगैरह देने चाहिए, भुगतान करना चाहिए, एलिवेशन करना चाहिए उनके लिए। ही बिलीव्स, वह विश्वास रखता है, देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब आ गया एस, कौन सा सेंटेंस है, जो हो गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता तो वर्ब आता है एस या ईएस। वह विश्वास रखता है डेट की संबंध कोई गुड वर्क, उसके लिए काम करें, अनसेल्फिशली, तो बिना स्वार्थ के, तो बिना स्वार्थ के लिए उनके लिए कोई काम करें, वो ऐसा सोचता है जो लेखक है। फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, और उनको ऊपर को लेकर जाए, उनकी गरीबी से निकाल के उनको ऊपर लेकर जाए, ऐसा वो उनका मानना है, सोचना उसका। एंड विदाउट, और के बिना, देयर मिसयूज, और उनका गलत इस्तेमाल किए बिना, तो मिसयूज का मतलब होता है गलत इस्तेमाल करना, गलत इस्तेमाल करना।
तो उनका गलत इस्तेमाल किए बिना उनको ऊपर लेकर जाए, क्योंकि नेता लोग तो क्या करते हैं, उनका मिसयूज करके छोड़ देते हैं। आगे है द पोयम, जो पोयम है सोच वो दिखाती है द मेजर डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर दिखाती है। मेजर का मतलब बड़ा और डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो ये जो पोयम है बहुत बड़ा सा अंतर दिखाती है। बेटवीन के बीच में, फिल दी रिच पीपल, जो अमीर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं उनके बीच में बहुत बड़ा अंतर दिखाती है। एंड और क्या करती है, कंट्री साइड पीपल, कंट्री साइड पीपल का मतलब क्या होता है, जो देशभक्त लोग हैं, कंट्री साइड का मतलब होता है देशभक्त है, देशभक्त लोग। तो देखिए, तो यहाँ पर ये बोला गया है जो रिच पीपल हैं, जो रिच पीपल हैं और जो कंट्री साइड लोग हैं, कंट्री साइड का मतलब ये जो गरीब लोग होते हैं उनके बारे में बात चल रही है, कई सारे मीनिंग होते हैं एक एक के। तो कंट्री साइड का मतलब यहाँ पर निकाले गरीब, जो गरीब लोग हैं और जो रिच लोग हैं इनमें बहुत बड़ा अंतर को दिखाता है इस पोएम के अंदर कौन कवि, कि अमीरों की जिंदगी कैसे होती है और गरीबों की कैसी होती है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, पढ़ लेना इसको एक दो बार और प्रैक्टिस कर लेना, आ जाता है। और ये आता है आपका 4 नंबर का, देखिए इसके आपको मीनिंग याद होनी चाहिए। जैसे कि इसमें आ रखा है आपको ये इसका मतलब याद होना चाहिए, और रोड साइड स्टैंड का मतलब देहाती लोग जो होते हैं, गरीब लोग वगैरह। और रिक्वेस्ट का मतलब अनुरोध होता है, थॉट का मतलब सोचना होता है, सोचा यहाँ पे हो जाएगा। ये टॉक्स लिखा हुआ है और टॉक्स का मतलब होता है बात करना। और येट का मतलब फिर भी, याद रखें फिर भी क्या होता है, फिर भी। लिप्स आप जानते हैं, लैक यानी एडवांसमेंट उन्नति वगैरह होती है। कम्युनिकेट्स का मतलब याद रखें क्या होता है, वार्तालाप होती है, वार्तालाप बातचीत वगैरह। पिटी का मतलब दयनीय, डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी। लुक्स देखना होता है, एलिवेशन भुगतान करना होता है, विदेश विश्वास करना, संबंध कोई। और अनसेल्फिशली बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के। अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है ऊपर लेके जाना, उन्नति कराना, विदाउट के बिना। मिसयूज क्या होता है, गलत इस्तेमाल, अभी बताया था गलत इस्तेमाल होता है। सोच का मतलब दिखाना, मेजर का मतलब बड़ा और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। रिच अमीर आप जानते ही हैं, और कंट्री साइड भी आपको बता दिया क्या होता, देशभक्त भी होता है, और यहाँ पे क्या निकलेगा, गरीब लोग। तो देखिए देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलती है नेक्स्ट वाली वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।